नमस्कार दोस्तों, आज हम बैठे हैं नागरिक अस्पताल हांसी में। स्मॉग का नाम लेते ही हम मास्क लगाना शुरू करते हैं, आंखों में जलन होनी शुरू हो जाती है। ये स्मॉग क्या है, ये स्मोक है या फोग है, इसकी प्रिकॉशंस क्या क्या चाहिए, ये सब कुछ जानने के लिए आज हम SMO अरुणा गर्ग, डॉक्टर अरुणा गर्ग एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, यहाँ की RSMO भी हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, उनसे जानते हैं कि ये स्मोक विंटर सीजन में क्यों होता है और इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं। ये स्मोक क्या है, व्हाट इज द स्मोक? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हांसी की आवाज़ मीडिया पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है, अनेकों अनेक अभिनंदन है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये स्मोक जो है ये क्या है? ये जो स्मोग है ये एक मिला जुला सा धुआं है, जो कि कुछ तो ठंड की वजह से है, कुछ जो खेतों में जो लोग पराली वगैरह जला देते हैं उसका जो मिला जुला धुआं है वो एक स्मोग का रूप धारण कर लेता है। अच्छा, पोल्यूशन जो है तो इससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, तो इसको प्रिकॉशंस के लिए क्या करना चाहिए? इन दिनों तो बहुत परेशानी होती है एस्थमेटिक पेशेंट के लिए। हाँ जी, आपके बात बिल्कुल सही है, क्योंकि स्मोग जो है इससे सांस लेने में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। आंखों में जलन होने लगती है, और आंखों में जलन से बचने के लिए तो देखो आंखों को चश्मा पहने, और जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो कम से कम घर से बाहर जाने की कोशिश करें, और अस्थमा की प्रॉब्लम, जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उसके लिए मुँह को कवर करके रखें, मास्क से कवर करें तो अच्छी बात है, अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो कपड़े वगैरह से भी कवर कर सकते हैं। और इसके लिए कोई पर्टिकुलर ड्रग भी है, कोई ऐसी दवा भी है कि भी ले लें तो स्मोग हमें असर ना करे? नहीं, ऐसी तो कोई दवा नहीं है इसके लिए। हम एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, भी जैसे आपको आंखों में जलन हो रही है तो आप आई ड्रॉप्स ले सकते हो, एलर्जी की दवाई ले सकते हो, सांस लेने में दिक्कत है तो सांस की दवाई ले सकते हो। ऐसे में बुजुर्गों का क्या हाल होता होगा जो एस्थमेटिक पेशेंट? बुजुर्गों का सच में बहुत बुरा हाल होता है, तो उसी के लिए मैं कहना चाह रही हूँ कि बुजुर्ग लोग जो होते हैं, अगर उनको घर से काम बाहर विशेष काम ना हो तो घर से बाहर ना जाएं, और घर से बाहर जाएं तो मुंह नाक को कवर करके जाएं, मास्क पहने तो अच्छा, नहीं तो भले ही जो सिंपल कपड़े से कवर करके जाएं, कवर करके जूझ जाएं, ताकि स्मोक जो है उनके फेफड़ों में कम से कम जाए। और जो लोग रूटीन में बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं उनको भी चाहिए कि, वैसे तो बीड़ी सिगरेट सबको नहीं पीनी चाहिए, पर जो भी पीते हैं उनकी मात्रा उन्हें कम कर देनी चाहिए, कि बाहर एटमॉस्फेयर से वातावरण से ही हमें इतना धुआं मिल जाता है, फेफड़ों में जाके और ज़्यादा नुकसान करता है। इस सब के साथ साथ सबको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, और खाना पीना जो हमारा तला भुना खा के सिंपल खाना खाना चाहिए, और घर से बाहर जाते समय खाना वगैरह पानी वगैरह पीकर ही निकले, ताकि जो बाहर का एटमॉस्फेयर वो हमें कम से कम। डॉक्टर अरुणा, आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं? हाँ जी। डिलीवरी करवाती हैं, सीजेरियन भी करती हैं, आप खुद एक सर्जन हैं? हाँ जी, हाँ जी। ऐसे में जो महिला हैं जिनकी सीजेरियन करती है, ऐसे में स्मोग उनको कितना घातक रहता है, जो डिलीवरी लेबर रूम में जो जच्चा जिसे आप बोलती हैं उनके लिए भी कुछ? जी, उनके लिए भी बिल्कुल घातक है, क्योंकि आपको पता है डिलीवरी में हम मानते हैं जैसे बच्चे का नया जन्म होता है, माँ का भी नया जन्म होता है, तो उस वक्त उनका इम्यूनिटी लेवल लो होता है, तो स्मोग अगर उन तक जाए तो उनको भी उतना ही असर करता है, जैसे कि किसी बीड़ी सिगरेट पीने वालों को जो फेफड़ों को असर करता है वो उनको भी नुकसान पहुँचाता है। आपका हॉस्पिटल ये 50-bedded हॉस्पिटल है? हाँ जी। और यहाँ ऐसी सभी प्रिकॉशंस ली जाती हैं, या पेशेंट तो बहुत आते होंगे? हाँ जी। तो हमने देखो मरीजों, जो हमारे पास मरीज आते हैं हम उनका इलाज भी करते हैं, उनको ये सब प्रिकॉशंस भी बताते हैं कि भरपूर खाना खाएं, पानी पिएं, घर से बाहर कम निकलें, मास्क लगा के निकलें, आंखों में परेशानी है तो आंखों में चश्मा लगा के निकलें। इसके साथ साथ हमने अस्पताल में अपने हमने ऑफिस ऑर्डर भी बनाया है, पूरे स्टाफ को सबको ये बात समझाई है कि किसी भी प्रकार के प्रदूषण बचने के लिए वो पत्ते हैं, कूड़ा करकट हैं, उसको ना जलाएं, ताकि हम प्रदूषण के अंदर अपनी तरफ से कुछ और इस प्रदूषण को ना बढ़ाएं। मैडम, हॉस्पिटल में अब यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट है स्वीपर्स की, वो पूरी हो गई है? हाँ जी, हाँ जी। और फिर भी हमने आज देखा है कि भी यहाँ हाउस कीपिंग प्रॉपर नहीं है, तो क्या इसको रैंप करेंगे आप, इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे?
जी बिल्कुल, मैं समय समय पर राउंड भी लेती रहती हूँ, सब कुछ करती रहती हूँ यहाँ पे, लेकिन क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से मैं इतना सब कुछ नहीं कर पाती हूँ। आपने कहा है तो मैं इसका मैं और ध्यान दूंगी। बाकी स्वीपर्स के लिए मैंने आउटसोर्स सुपरवाइजर, नर्सिंग सिस्टर है, सबके लिए मैं समय समय पर विजिट करके, जैसे अस्पताल का दौरा करके, मैंने उनको मैं निर्देश देती रहती हूँ कि आपके पास इतने स्वीपर्स हैं और आप अस्पताल की प्रॉपर सफाई करवाइए। और मैंने बाथरूम में जो टॉयलेट्स हैं उनके पीछे चेकलिस्ट भी मैंने बनवाई है जिनको मैं लगाऊंगी, ताकि इसमें पूरी तरह से ये हो सके कि हाँ। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों मैं हॉस्पिटल में आया था, मैंने स्वयं टेस्ट करवाना था सीबीसी का, लेकिन सीबीसी की मशीन बंद पड़ी थी। क्या चूहे वगैरह हैं क्या यहाँ काट जाते हैं? जी चूहे हैं। चूहों का क्या कर रहे हैं? चूहे के लिए देखो, अब फिलहाल तो हम पेस्ट कंट्रोल का पता कर रहे हैं, जो मास बड़े लेवल पे होगा। अस्पताल है बड़ा, खुला अस्पताल है तो चारों तरफ से चूहे आ जाते हैं। फिलहाल तो हम वही चूहेदानी ही लगा रहे हैं और पेस्ट कंट्रोल बड़े स्केल पे करवाने के लिए उसका पता कर रहे हैं। आपके पास तो बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीनें आ गई हैं, डिजिटल एक्सरे आ गया है और जो अल्ट्रासाउंड की मशीन भी नई इंस्टॉल होने जा रही है, और सीबीसी की मशीन तो ऑलरेडी है ही। जब कंप्लीट ब्लड टेस्ट नहीं होगा तो उसमें क्या होगा फिर? वो तो बाहर से टेस्ट लोगों को। जी बिल्कुल। तो इसके लिए आप क्या एक्शन ले रही हैं कि भाई चूहों का पकड़ने का क्या एक्शन है? जी मैं वही तो आपको बता रही हूँ ना, एक पेस्ट कंट्रोल होता है, वो पेस्ट कंट्रोल एजेंसी का हम पता कर रहे हैं, हम जल्दी ही अपना पेस्ट कंट्रोल करवा लेंगे और इन टाइम में चूहों को पकड़ने के लिए हम चूहेदानी लगवा रहे हैं। इट इज़ मेयरली नाउ रेफरिंग हॉस्पिटल, यहाँ डॉक्टर्स की स्केस्टिक बराबर हो गई है? नहीं, पूरी तरह से डॉक्टर्स तो पूरे नहीं है, लेकिन पहले के कंपेरिजन में कुछ डॉक्टर आ गए हैं। तो हमारी तो पूरी कोशिश यही रहती है कि हम कम से कम मरीज यहाँ से रेफर करें। फिजिशियन नहीं है, इसकी कमी तो आप फिजिशियन और ऑर्थोपेडिशियन के और पैथोलॉजिस्ट इनके ना होने से हमें बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। पर ये देखिए तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, जब कोई आएगा तभी कोई आएगा। मैडम पिछले दिनों यहाँ हॉस्पिटल में एक फर्स्ट क्रिएट हुआ, एक पिंकी नाम की महिला थी जो डिमाइज कर दी, तो उस पर यानी कई उन्होंने आरोप भी लगाए कि यहाँ सीजरियन करने के बाद, पता नहीं किसने सीजरियन किया, आई डोंट नो कि किसी एलमो लेडी ने किया या हमने किया, उसके बाद केयर नहीं हुई तो उसकी डेथ हो गई, वहाँ अगर वो मेडिकल में ले गए या उसको महात्मा गांधी हॉस्पिटल में ले गए, तो ऐसा कुछ मामला आया था क्या? जी बिल्कुल, ऐसा एक मामला आया था, उसका सीजन हम लोगों ने करा था ऑपरेशन थिएटर में। चार दिन तक वो पेशेंट हमारे पास बिल्कुल ठीक थे। अगर ऑपरेशन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो मरीज चार दिन तक ठीक नहीं रहता है, इमीडिएटली उसको हो जाती है। और हर किसी का, इंसान का शरीर अलग होता है, कोई दवाई आप भी खाओ मैं भी खाऊँ तो वो सेम रिएक्ट नहीं करेगी हम दोनों को, हो सकता है किसी को कम असर करे किसी को ज़्यादा रिएक्ट करे। तो पाँचों दिन हमें उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी, तो हमने उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज भेजा था, बकायदा हमारी एम्बुलेंस उसे लेके गई थी, उसे वो एडमिशन भी करवाया। नॉट अ मैटर ऑफ केयरलेसनेस? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, उसी दिन हमारे दो सीजरियन और भी हुए थे और एक उससे पहले दिन हुआ था, वो मरीज हमारे बिल्कुल ठीक ठाक थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो ठीक ठाक छुट्टियों के घर चले भी गए हैं। तो यहाँ समझा जाता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को बराबर आ गए हैं, लेकिन यहाँ मास्क कैजुअल लीव पे चले जाते हैं, छुट्टी पे चले जाते हैं, ऐसा भी है क्या? नहीं देखिए, कोई एक आधा दिन छुट्टी तो किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है वो जाते हैं, ऐसे लंबी छुट्टी पर तो कोई नहीं गया हुआ है। डॉक्टर जाते हैं, थेरेपी से भी लेने पड़ते हैं? हाँ जी, वो तो आप देखें कि ये NHMR पे स्थित है तो 24 घंटे इमरजेंसी कैजुअलिटी सब कुछ चलता है, डिलीवरी केसेस भी 24 घंटे होते हैं। तो हमारे खुद के तो 5 डॉक्टर्स हैं, 5 डॉक्टर से तो आप इमरजेंसी नहीं चला सकते हो, ऐसे में जब डॉक्टर्स को अपनी स्पेशलिस्ट ड्यूटी भी करनी होती है। पैथोलॉजिकल लैब में टेस्ट कितने हैं आपके? अब CBC चालू है इसमें? हाँ जी, CBC चालू है और CBC के कुछ विशेष कंपोनेंट्स जो होते हैं, मतलब पूरा CBC नहीं हो पाता, अगर हमारी CBC मशीन खराब हो तो भी उसके आधे से ज़्यादा टेस्ट अलग अलग करके हो जाते हैं हमारे पास। अभी जैसे खासतौर पर प्लेटलेट्स और HB की जरूरत होती है, वो दोनों टेस्ट अगर CBC मशीन खराब हो तो भी हो जाते हैं। अक्सर यानी पेशेंट को ये शिकायत रहती है कि टेस्ट बाहर से लेके जाते हैं या और है, तो ऐसा तो नहीं है अभी हॉस्पिटल में? नहीं जी, ऐसा तो नहीं है, जो टेस्ट हमारे पास नहीं होते, देखिए 100% टेस्ट तो हमारे पास नहीं होते हैं, जो नहीं होते हम मरीज को बता देते जी आप उस संस्थान में जाके करवा लीजिए। हाउसकीपिंग आप ध्यान रखेंगे हॉस्पिटल का? जी बिल्कुल, 50 बेडेड हॉस्पिटल है। हाँ जी, इट इज़ द एसेट फॉर द सिटी, यहाँ सब तरह के मरीज आते हैं,
गरीबी रेखा के नीचे के भी आते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर आपने वो आयुष्मान योजना का भी रखा, आयुष भी है आपके डिपार्टमेंट? हाँ जी, आयुष में होम्योपैथिक डिपार्टमेंट हमारे यहाँ काम करते हैं। यहाँ सब्सटेंशियल दवाइयाँ हैं आपके पास? हाँ जी। और ये इसमें डिस्पेंसरी में दवाइयाँ? हाँ जी, जो दवाइयाँ हमें सरकार के द्वारा मिलती हैं वो सभी दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं। आपका हॉस्पिटल हॉटलाइन पे है? हाँ जी, हॉटलाइन से जुड़ा हुआ है। तो बिजली की प्रॉब्लम? बिजली की प्रॉब्लम ऐसे तो नहीं होती, पर फिर भी बीच बीच में हो जाती है। और पानी की, यानी कि कंटेमिनेटेड पानी बताते हैं कि यहाँ आता है? नहीं, हमारे पास 3 आर ओ वाटर फिल्टर्स लगे हुए हैं। तीनों आर ओ बिल्कुल चालू हैं? जी बिल्कुल। वी कैन सी दैट? हाँ जी। हाउसकीपिंग प्रॉपर है? हाँ जी। ये रेफरिंग हॉस्पिटल नहीं रहा, अब यहाँ ट्रीटमेंट होता है क्या? ट्रीटमेंट देखिए, वही मैं बता रही हूँ आपको, हम 100% केसेस हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते और 100% हम रेफर भी नहीं करते। हमारी बिल्कुल यही कोशिश रहती है कि हम कम से कम मरीज रेफर करें, लेकिन जो स्पेशलिटी हमारे पास नहीं है, जैसे ऑर्थोपेडिशियन है और फिजिशियन जो हमारे पास नहीं है, तो वो तो हमें रेफर ही करने पड़ते हैं। ENMs वगैरह, नर्सेज वगैरह, पैरामेडिकल स्टाफ कंप्लीट है? नहीं, कंप्लीट तो नहीं है, कम है। डॉक्टर्स भी कम है? हाँ जी, डॉक्टर्स भी कम है। ये थी डॉक्टर अरुणा, SMO है सिविल हॉस्पिटल की। इन्होंने, हमने इनसे बड़ी बेबाकी से बात की और इन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। स्टिल ये कह रही हैं कि यानी हॉस्पिटल में फिजिशियन नहीं है और ना ही ऑर्थोपेडिशियन है, जिसकी वजह से यानी कि पेशेंटों को रेफर भी करना पड़ता है। हॉस्पिटल में चूहे बहुत हैं और मशीनों की तार काट जाते हैं। पिछले दिनों CBC मशीन कितने तारें काट दी गई थी और टेस्ट से महरूम होना पड़ा था पेशेंट को। तो डॉक्टर साहब कह रही हैं कि अब सब मैं ठीक करवा लूँगी, खासकर चूहों की जो तादाद जो है खेतों में भी होती है और हॉस्पिटल में भी होती है। CBC मशीन हमने रिपेयर करवा दी है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने स्मोक के बारे में भी बताया कि स्मोक एक ऐसा धुआं है जो फेफड़ों में सीधा जाता है और बुजुर्गों के लिए खासकर घातक होता है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक ऐसी ही पर्सनैलिटी से, लेकिन आपसे एक गुजारिश करूँगा कि आप हमारे इस हांसी की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। डॉक्टर अरुणा गर्ग से हमने पूरी बात की है हॉस्पिटल के बारे में भी, आपके लिए भी बड़ा इंफॉर्मेटिव रहेगा। इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमें फीडबैक दीजिएगा। मैं मेरे सीनियर एडिटर अजय सैनी के साथ, ब्यूरो चीफ विजेंद्र के साथ फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए कार्यक्रम में, एक नए अंदाज के साथ, एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए राजीव बंसल का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।